इंदौर, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शुक्रवार को खेले गए मैच में रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जमा दिया। यह T20 में सबसे कम गेंदों में शतक बनाने के रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर के नाम पर था, जिन्होंने इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था। रोहित और मिलर के पास यह रिकॉर्ड अब संयुक्त रूप से है। रिकॉर्ड के लिए पत्नी रितिका ने किया ये काम। जब रोहित श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल रहे थे, तब रितिका भी स्टेडियम में ही मौजूद थी। रोहित ने 35 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया, लेकिन रिकॉर्ड से ठीक पहले 34वीं गेंद पर उन्हें यह रिकॉर्ड पूरा करने के लिए 3 रन की जरूरत थी। इस वक्त रोहित के सामने एंजेलो मैथ्यूज गेंद फेंक रहे थे और यह उनके ओवर की दूसरी गेंद थी। इस वक्त रोहित की पत्नी रितिका ने हाथ ऊपर किए और भगवान की ओर देखते हुए दुआ मांगने लगी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का ध्यान भी इस वक्त रितिका और रोहित की तरफ ही था। रोहित ने एंजेलो मैथ्यूज की इस गेंद पर कोई मौका न गंवाते हुए चौका जड़ दिया और विश्व रिकॉर्ड बना डाला। रोहित ने रितिका को दिया बर्थडे गिफ्ट। गौरतलब है कि मैच के ठीक एक दिन पहले रोहित की पत्नी रितिका का बर्थडे था, जिसे रोहित ने इंदौर में ही सेलिब्रेट किया। मैच से ठीक पहले रोहित अपनी पत्नी रितिका के लिए एक भावुक बात कहकर गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ट्वीट किया और लिखा कि आमतौर पर किसी के जन्मदिन पर आप उनके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेवल करता रहता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि ट्रेवल टाइम में उनके साथ अच्छा समय बिता सकूं। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि रितिका जैसी पत्नी मिली। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्विटर पर भावुक संदेश लिखने के अलावा रोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर भी पत्नी रितिका के साथ फोटो शेयर की है और जन्मदिन की बधाई दी है।